हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो आरजीपीपी के द्वारा सेशन जून जुलाई 2021 के जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं, चाहे वो बीटेक हो, डिप्लोमा हो, फार्मेसी हो या एमटेक हो, सारे कोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर हमारा एग्जाम जो होगा ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन ओपन बुक के माध्यम से होगा। तो अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आई होप कि आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पे जो पहला नोटिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें कुछ पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए हैं एग्जाम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है परीक्षा का नाम, जिसमें है बीई, बीटेक, बी फार्मेसी, डिप्लोमा के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो जो लास्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो थ्योरी एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो जो थ्योरी एग्जाम का आपका जो डेट है वो 22 जून से लेके 30 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आपका टाइम टेबल ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, आप जाके आप टाइम टेबल चेक कर सकते हैं, जिसमें तीन सेशन में एग्जाम हो रहा है। पहला जो है 11 से 1 के बीच में, दूसरा है 2 से 4 के बीच में, और तीसरा एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है वो 5 से 7 के बीच में। मतलब अलग अलग ब्रांच का अलग अलग टाइमिंग है, आप जाके टाइम टेबल जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे परीक्षा का जो फॉर्मेट है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। इन 60 क्वेश्चन में आपका 30% न्यूमेरिकल होगा और ये एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा और ऑनलाइन एमसीक्यू के माध्यम से ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे ही आपका ये थ्योरी एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो भी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। और ये जो एग्जाम का जो रिजल्ट है 10 जुलाई 2021 तक घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था अंतिम सेमेस्टर वाले कैंडिडेट के लिए। टोटल क्वेश्चन 60 होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा और ऑनलाइन एमसीक्यू के माध्यम से ही होगा, आप टाइम टेबल जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है, जो बैचलर डिग्री मतलब बीटेक, बी फार्मेसी या एमटेक, एमई या डिप्लोमा के अन्य सेमेस्टर के जो कैंडिडेट हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा 1 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है ब्रांच वाइज, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इनका जो एग्जाम का फॉर्मेट होगा जैसे लास्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट का था, वैसे ही 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें 30% न्यूमेरिकल प्रश्न शामिल होंगे। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो भी 2 घंटे का होगा। और इनका भी जैसे ही जो थ्योरी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से कॉलेज के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और इनका जो परीक्षा का जो परिणाम है वो 30 जुलाई 2021 तक घोषित किया जाएगा। ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करते हैं। जो भी आपका ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम होगा आप अपने घर से या आप अपने विद्यालय में जाके शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग है, मीन्स अगर आप थ्योरी एग्जाम में शामिल होते हैं तो उसका 50% ही काउंट किया जाएगा। और 50% मार्क्स जो है वो आपके जो प्रीवियस सेमेस्टर तक का CGPA जो है उसका काउंट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट कि जो भी क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पे अवेलेबल होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है परीक्षा के दौरान आपकी गतिविधियों पे नज़र रखा जाएगा एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा। सिक्स्थ पॉइंट है भविष्य में इस प्रकार की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रोफेशनल एजेंसी का चयन किया जाए, जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए डिस्क्रिप्टिव एवं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन किया जा सके। तो अभी फ्यूचर में क्या होगा, जब आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तो ऑनलाइन एमसीक्यू भी दे सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव मतलब रिटेन एग्जाम भी दे सकते हैं आप ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। तो ये था पहला नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो नोटिफिकेशन है
वो पहले नोटिफिकेशन का ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो फाइनल सेमेस्टर के कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम, थ्योरी का एग्ज़ाम 22 जून 2021 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में होगा। बाकी अन्य सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होगी 1 जुलाई 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी टाइम टेबल है वो अपलोड कर दिया गया है, आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है कि जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। उसके लिए जो एक्सटर्नल का डिसीजन RGPV के द्वारा किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, जो भी समस्त पाठ्यक्रम की सैद्धांतिक मतलब थ्योरी परीक्षाएं निर्धारित समय से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षा का समय 2 घंटे रहेगा और ये ऑनलाइन MCQ बेस्ड आधारित रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें एक कोई करेक्ट होगा उस पर आपको टिक करना है। और जैसा कि बताया कि 30% आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा और टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो जब आप MCQ एग्जाम में शामिल होते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही मार्क्स काउंट किया जाएगा। बाकी जो 50% मार्क्स होगा वो आपके प्रीवियस सेमेस्टर के CGPA से कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब 50% ऑनलाइन MCQ का और 50% आपका प्रीवियस सेमेस्टर का CGPA से। तो टोटल आपका 100% इस तरह से रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है कि जो आपका ऑनलाइन थ्योरी एग्जाम हो रहा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट कि आप जब ऑनलाइन MCQ एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप डिग्री कैंडिडेट हैं तो degree.rgpvexam.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, जैसा कि प्रीवियस सेमेस्टर में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा और ये क्रोम ब्राउजर में ही ओपन होगा। अब कुछ बच्चों के डाउट यहाँ पे होंगे कि हमने प्रीवियस सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो क्या वो वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर पॉलिटेक्निक कैंडिडेट हैं तो आपको poly.rgpvexam.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। और ये रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा। अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो अभी लास्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट का ही, वो भी बीटेक और फार्मेसी का ही रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। बाकी बच्चे अभी थोड़ा वेट करें, जब आपका डेटा अपडेट हो जाएगा तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो 7th पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें आप अपने घर पर रह के अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से दे रहे हैं तो आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें इस इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। या अगर ये नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप अपने कॉलेज में जाके दे सकते हैं, कॉलेज से आप अपीयर हो सकते हैं क्योंकि कॉलेज में इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, वहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम होते हैं तो वहाँ पे टेक्निकल एरर आने के चांसेस कम होते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सारे पॉइंट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है तो उसको हम दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।